लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस रात वो टहलने के लिए निकल रही है वो रात उसके लिए कभी ना भूलने वाली रात हो जाएगी। लेकिन उस लड़की से पूछिए जो इंसाफ के लिए 2 महीने से इंतजार कर रही है। इस बीच आरोपियों के बारे में नई जानकारी भी सामने आई है। मांगे की जा रही है कि बुलडोजर चलना चाहिए अपराधियों पर, क्यों नहीं चला अब तक बुलडोजर? 2 महीने बाद गिरफ्तारी होती है, ना तो बुलडोजर चल रहा है घर पर, ना ही फास्ट ट्रैक कोर्ट नजर आ रहे हैं। नेता किसको चुनना है इस पर भी ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अपनी सुरक्षा से ज्यादा मुश्किल। प्रदेश की महिला जानना चाहती है, प्रदेश की बेटी जानना चाहती है, वो जो वीडियो बनाया गया था वो वीडियो कहाँ है? न्यूज वॉल इंडिया देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूँ काजू नारायण। भारत एट नाइन में आज हम बात करेंगे IIT BHU में छात्रा के साथ जो गैंगरेप हुआ उन 3 आरोपियों के बारे में। वाराणसी में IIT BHU का जो पूरा कैंपस है वो बहुत ज्यादा सुरक्षित माना जाता है, और शायद जिस छात्रा के साथ ये दरिंदगी हुई उस छात्रा ने भी यही सोचा होगा कि कैंपस पूरी तरह से सुरक्षित है। लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस रात वो टहलने के लिए निकल रही है वो रात उसके लिए कभी ना भूलने वाली रात हो जाएगी। छात्रा से गैंगरेप के 3 आरोपियों पर पुलिस ने शिकंजा तो कस दिया, पुलिस अब उन पर गैंगस्टर के तहत कार्रवाई कर सकती है। कुणाल पांडे, सक्षम पटेल, अभिषेक चौहान, ये वो 3 दरिंदे हैं जिन्होंने इस छात्रा के साथ दरिंदगी की। फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाने की अपील भी हो सकती है। इस बीच आरोपियों के बारे में नई जानकारी भी सामने आई है। अपील हो सकती है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस पूरे मामले को चलाया जाए और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए। दोबारा से सुनिए, अपील हो सकती है, अभी ऐसा हुआ नहीं है। 2 महीने बाद गिरफ्तारी होती है, ना तो बुलडोजर चल रहा है घर पर, ना ही फास्ट ट्रैक कोर्ट नजर आ रहे हैं, ना ही एंटी रोमियो स्क्वाड कहीं नजर आया, और ना ही शायद पुलिस जागी हुई है। तभी तो 2 महीने बाद आरोपी गिरफ्तार हो पाए हैं। 2 महीने लग गए इन 3 दरिंदों को ढूंढने में, जबकि ये BJP IT सेल देखते थे। आप सोचिए, तो इसका मतलब इनके फोन भी ऑन रहते होंगे, इसका मतलब ये सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहते होंगे, उसके बावजूद पुलिस के हाथ बंद गए थे, या पुलिस जानबूझकर नहीं कर पा रही थी, या किसी का संरक्षण था, या मना हो गया था कि जब तक चुनाव है तब तक कोई भी यहां पर किसी तरह का कोई भी पैनिक नहीं चाहिए, कुछ क्या ऐसी स्थिति थी। लेकिन उस लड़की से पूछिए जो इंसाफ के लिए 2 महीने से इंतजार कर रही है, उस पीड़िता का कसूर कितना था? कसूर बस इतना था कि वो गर्ल्स हॉस्टल के बाहर टहलने के लिए आ गई थी। बीच में उसका दोस्त मिल जाता है, दोनों बातें करते हैं, दोनों को लगता है कि कैंपस से सिक्योर जगह कहाँ होगी, इसलिए टहलते टहलते दोनों बातें कर रहे होते हैं। तभी 3 लड़के बुलेट बाइक पर सवार होकर आते हैं गन पॉइंट पर, ठीक वैसे ही जैसा तस्वीरों में नजर आ रहा है। गन पॉइंट पर पहले तो लड़के को पीटते हैं, उसके बाद एक इनमें से लड़के को पीटता है और लड़की को दूसरी तरफ ले जाते हैं, उसके साथ अभद्रता करते हैं, घिनौनी हरकतें करते हैं, उसका न्यूड वीडियो निकालते हैं, जबरन उससे नंबर भी लेते हैं, धमकाते हैं और उसके साथ गैंगरेप करते हैं। इस खौफनाक मंजर ने एक बार फिर से 2012 की वो वारदात को ताजा कर दिया जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया था, निर्भया कांड। एक बार फिर से वैसे ही हुआ, दोस्त के साथ महिला थी यानी कि छात्रा, दोस्त को पीटा जैसा उसमें भी हुआ था, फिर उसके साथ गैंगरेप किया गया और ऐसा ही इस छात्रा के साथ हुआ। अब सवाल यह है कि 2 महीने तक आपका एंटी रोमियो स्क्वाड कहाँ था? उस वक्त कहाँ था जिस वक्त छात्रा बाहर टहल रही थी? पुलिस क्या कर रही थी? और जो हिमायती बनते हैं महिलाओं के वो कहाँ थे? तो महिलाओं को भी अब सोचने की जरूरत है कि जो वादे और दावे आप लोगों से किए जाते हैं क्या उस पर प्रशासन शासन खरा उतर रहा है, या जो विपक्षी दल हैं जो आपसे वादा दावा करते हैं कि आप हमें चुनिए हम आपको पूरी तरह से सुरक्षा देंगे, किस पर विश्वास किया जाए? ये सोचने वाला विषय है। वाराणसी जैसी जगह में, और वो भी कॉलेज कैंपस में, ऐसी
वारदात हो रही है वाकई सुनने में बहुत अजीब लगता है। और तब सबसे ज्यादा अजीब होता है कि तीनों गैंगरेप करते हैं, उसके बाद आराम से मध्य प्रदेश, क्योंकि विधानसभा चुनाव होने थे वहां पर, वहां चले जाते हैं, आराम से चुनाव प्रचार करते हैं, और जिस दिन वोटिंग डे होता है उस दिन वापस वाराणसी आ जाते हैं और चुपके से रहते हैं। शायद अगर छात्रों ने आवाज ना उठाई होती तो इनका पता भी नहीं चलता, इस मामले को रफा दफा कर दिया जाता। जिस योगी सरकार को ये कहा जाता है कि यहाँ पर बुलडोजर का शासन है, अगर आपने महिला की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो सजा तो आपको मिलेगी ही, और साथ ही साथ सजा ऐसी मिलेगी कि आपकी सात पुश्तें याद रखेंगे। लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं हुआ, अभी तक बुलडोजर इनके घर नहीं पहुंचा है, अभी तक फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला नहीं पहुंचा है, अभी तक गैंगस्टर एक्ट के तहत इन पर कार्रवाई नहीं हुई है। ये कैसा इंसाफ है, किस बात का इंसाफ है ये? आप सोचिए कि जिस पर हम इतना ज्यादा भरोसा करते हैं कि इस सरकार में हमें पूरी तरह से सुरक्षा मिलेगी, और अगर कुछ ऐसी अनहोनी हो भी जाती है तो इंसाफ तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। ये कैसा इंसाफ है कि दो महीने तक कुछ भी नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि बीजेपी से जुड़े हुए थे इसलिए, या अपनी छवि खराब करना सरकार नहीं चाहती है? ऐसे सवाल है बहुत ज्यादा, और ये सवाल कभी खत्म नहीं होंगे क्योंकि हर किसी का जवाब चाहिए। एक बेटी के साथ बलात्कार हो रहा है और दो महीने तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हो पाए हैं, जबकि सीसीटीवी कैंपस में ये वारदात घटी है, बथेरे सीसीटीवी कैंपस में लगे हुए हैं, उसके बावजूद इतना हीला हवाली क्यों किया गया? सवाल ये है शासन से और प्रशासन से, क्या प्रशासन के हाथ बंधे हुए थे, किसने हाथ बांध दिए थे? यूपी पुलिस अपनी पीठ थपथपाती है एनकाउंटर करती है तो, यूपी पुलिस अगर किसी मामले का खुलासा करती है तो अपनी पीठ थपथपाती है, लेकिन दो महीने तक आपको ये तीन आरोपी नहीं मिले। क्या बहुत माफिया थे, गैंगस्टर थे जो आप इन तक नहीं पहुंच पाए, या इनकी पहुंच इतनी आगे तक है कि आप इन पर हाथ नहीं डाल पाए? बताया जा रहा है कि कैंट से बीजेपी विधायक सौरभ श्रीवास्तव की सिफारिश पर आरोपियों की पार्टी संगठन में अहम जिम्मेदारी मिली थी, यानी कि बीजेपी नेताओं का हाथ था, दूसरे नेताओं के साथ भी इनका आना जाना रहता था, जिसके चलते इलाके में इनका दबदबा था। बीजेपी के तमाम नेताओं संग आरोपियों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई और तब से तहलका मचा हुआ है। विपक्ष इस पूरे मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रहा है और सवाल पूछ रहा है, और पूछना भी चाहिए कि तस्वीरें बड़े बड़े बीजेपी नेताओं के साथ इनकी वायरल हो रही है तो भी इनको पकड़ने में इतना ज्यादा समय लग गया? आप समझिए और सोचिए, ये अभियान चलाते थे, आईटी सेल महानगर संयोजक बनाया गया था कुणाल पांडे को, सारे आरोपी आसपास के नेताओं के टच में थे, प्रचार प्रसार करते थे, घूमते थे, भंडारे के आयोजन होते थे, बड़े नेताओं को बुलाया जाता था तो ये भी जाते थे, कैंपस में भी जाते थे। हालांकि अगर देखा जाए तो गैंगरेप केस के बाद इनसे किनारा करने की कोशिश वो लोग कर रहे हैं, लेकिन तस्वीरें तो बहुत कुछ बयां कर रही है ना, तस्वीरें कहां तक मिटाएंगे आप? पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है, साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं, चार्जशीट भी पेश की जा रही है, आरोपी के हर कनेक्शन को खंगाला जा रहा है, उनकी कॉल डिटेल्स ट्रैवल हिस्ट्री सबकी जानकारी हासिल की जा रही है। तीनों आरोपी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है। पुलिस बता रही है कि घटना के बाद तीनों आरोपी शहर से भाग गए थे, लगातार अपनी ठिकाने बदल रहे थे, गिरफ्तारी से पहले मध्य प्रदेश के चुनाव में भी गए थे, उसके बाद राजधानी लखनऊ भी पहुंचे थे। इस बीच पुलिस ने लगातार उनके नंबर सर्विलांस पर लगा रखे थे जिससे उनको ट्रेस किया जा रहा था, लेकिन 60 दिन लग गए। 60 दिन बीत जाने के बाद जब कोई एक्शन नहीं हुआ तो आरोपियों को लगा कि अब पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं करेगी, अब ऐसे में वो आराम से अपने घर लौट आए, या तो उनसे कहा गया होगा कि आप पुलिस की नजर से दूर जाइए वरना सवाल उठने लगेंगे। लेकिन लौटने के बाद पुलिस ने शिकंजा कस दिया। आरोपी इतने शातिर थे कि उन्होंने जांच को भटकाने के लिए घटना के दिन इस्तेमाल होने वाली बुलेट पर नंबर प्लेट नहीं लगा रखी थी, लेकिन बाद में नंबर प्लेट लगा ली। बुलेट कुणाल पांडे की बताई जा रही है, वो पार्षद का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा था, 2 साल पहले ही उसकी शादी हुई थी, शादीशुदा था। जब एक शादीशुदा मर्द एक महिला की इज्जत को नहीं समझ पा रहा है कि महिला की इज्जत क्या होती है, वो अपनी बहन बेटियों की इज्जत कैसे समझेगा? आई चीजिंग की बात होती है कि अगर आपको कोई नजर उठा के भी देखता है या फिर कोई सिरफराशिक होता है तो उसके खिलाफ
सख्त एक्शन लिया जाएगा। आंखों से घूरना तो दूर की बात है, उस मासूम की इज्जत को तार तार कर दिया गया। प्रदेश की महिला जानना चाहती है, प्रदेश की बेटी जानना चाहती है, वो जो वीडियो बनाया गया था वो वीडियो कहाँ है, क्या उस वीडियो को खत्म कर दिया गया है? और उनकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई, जिस प्रदेश में कहा जाता है कि आरोपी थर थर कांपते हैं, उस प्रदेश में आप ही की पार्टी के जुड़े लोगों की इतनी हिम्मत हो गई कि इस तरह की घटना को अंजाम दे दिया। इसका मतलब संरक्षण था, कुछ तो था। यही वजह है कि 2 महीने लग गए पुलिस को। ये घटना कब हुई थी जरा वो भी जान लीजिए। 2 नवंबर को IIT सेकेंड ईयर की छात्रा अपने न्यू गर्ल्स हॉस्टल से रात में लगभग 1:30 बजे वॉक पर निकली थी। रास्ते में मिले एक साथी के साथ कुछ दूर आगे बढ़ी थी कि 3 की संख्या में बुलेट सवार अज्ञात युवक कैंपस के अंदर आ जाते हैं। छात्रा को जबरदस्ती अलग अलग कर दिया, फिर छात्रा का यौन उत्पीड़न किया। पीड़ित छात्रा ने बताया कि उसे अलग ले जाकर न केवल डराया धमकाया गया बल्कि उसके कपड़े भी मंचले उतरवा दिए, उसे किस भी किया। इतना ही नहीं, आरोपियों ने उसका वीडियो भी बना लिया और मोबाइल नंबर भी ले लिया। इस पूरी वारदात के दौरान ITBHU की छात्रा लगभग 10 से 15 मिनट तक मंचलों के बीच फंसी रही। बाद में पुलिस ने छात्रा की शिकायत पर लंका थाने में IPC की धारा 354(5)(6) और 66 IT Act के तहत मुकदमा दर्ज किया। वहीं छात्र छात्रा लगातार ITBHU कैंपस में धरना प्रदर्शन करते रहे, लेकिन आगे चलकर छात्रा के साथ हुई छेड़छाड़ की घटना में पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म IPC 376D और इलेक्ट्रॉनिक साधनों के जरिए यौन उत्पीड़न IPC 509 करने से संबंधित धाराएं बढ़ा दी है। ये दोनों धाराएं पीड़िता के बयान के आधार पर बढ़ाई गई। छात्रा का कलम बंद बयान पुलिस के अलावा मजिस्ट्रेट के सामने भी दर्ज हुआ है। उस मासूम पर क्या बीत रही होगी जो अपना भविष्य बनाने के लिए BHU कैंपस में आई थी, उसके साथ ऐसी घिनौनी वारदात हो जाएगी, क्या उसने सोचा होगा? तो अब जागने की जरूरत है। एक महिला होने के नाते मैं कह रही हूँ कि महिलाएं, मासूम बच्चियां और युवा लड़कियां जाग जाएं। अपना नेता किसको चुनना है इस पर भी ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अपनी सुरक्षा से ज्यादा कुछ नहीं। किन लोगों पर विश्वास करना है ये भी आपके हाथ में है, लेकिन हाँ, इस मासूम के साथ जो हुआ वो खौफनाक है और वो दर्द हम समझ सकते हैं। जिस मानसिक दर्द से वो गुजर रही होगी वो हम समझ सकते हैं। देखिए, शारीरिक जो दर्द है वो तो दवाओं से ठीक हो जाएगा, लेकिन जो मानसिक पीड़ा से वो मासूम गुजर रही होगी उसका दूर होना बहुत मुश्किल है। ऐसे मामलों में हम देखते हैं कि अपने ही साथ छोड़ देते हैं। तो इस मासूम को साथ की जरूरत है, इंसाफ की जरूरत है। इससे पहले भी छात्र छात्राओं ने काफी हो हंगामा किया, आवाज उठाई इसके इंसाफ के लिए, लेकिन फिर भी 2 महीने का समय लग गया। अगर इतना ही समय लगेगा तो फिर तो ऐसे दबंग लोग, ऐसे प्रभावी लोग जो अपने प्रभाव के चलते कुछ भी करने की सोचते हैं, इनका मनोबल और ज्यादा बढ़ेगा कि आप कुछ भी काम करके आइए, समय लगेगा, उसके बाद तो मामला ठंडा हो जाएगा। कहाँ है आपके फास्ट ट्रैक कोर्ट? बार बार हम यही सवाल कर रहे हैं, मांगे की जा रही है कि बुलडोजर चलना चाहिए अपराधियों पर। क्यों नहीं चला अब तक बुलडोजर? आखिर क्यों नहीं चला बुलडोजर? चलना चाहिए ऐसे आरोपियों पर, उनके घरों पर। जब हत्यारोपियों के घर बुलडोजर चल सकते हैं तो बलात्कारी के घर क्यों नहीं? क्या बलात्कार से भी बड़ा कोई जुर्म है? इससे बड़ा कोई जुर्म नहीं है। आप पूछिए उस मासूम से, आप पूछिए उस मासूम के परिवार से, जिस पर इस वक्त क्या गुजर रही होगी अंदाजा लगा पाना मुश्किल है। लेकिन फिर वही सवाल है कि ये दरिंदे आराम से घूमते रहे और इन्हें संरक्षण भी मिलता रहा, और जिस योगी सरकार पर हम इतना भरोसा करते हैं, महिलाएं तो बहुत ज्यादा भरोसा करती हैं, उसके बावजूद आपकी सरकार में 2 महीने लग गए उनकी गिरफ्तारी के लिए। आगे सजा जो मिलेगी वो तो बाद की बात है, गिरफ्तारी में 2 महीने लग गए, ये उम्मीद ना थी ना है ना आगे रहेगी। जागने की जरूरत है प्रशासन को भी, शासन को भी और प्रदेश के महिलाओं को भी। भारत 9 में आज के लिए इतना ही, कल फिर लौटेंगे किसी और मुद्दे पर बात करेंगे।